क्या शाहरुख खान की जवान होगी नयनतारा की आखिरी फिल्म, इस वजह से छोड़ रही है अपनी एक्टिंग करियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। नयनतारा साउथ की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में अपना जलवा बिखेरने के बाद एक्ट्रेस अब जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म जवान से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। इसी बीच एक्ट्रेस को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि नयनतारा जल्द ही एक्टिंग छोड़ने वाली हैं और इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस काफी निराश हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नयनतारा अब जल्द ही एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कहने वाली हैं। जी हां, एक मीडिया पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार नयनतारा अपने बच्चे और अपने प्रोडक्शन हाउस पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग छोड़ने की योजना बना रही हैं। एक्ट्रेस अपने पति शिवन के साथ राउडी पिक्चर्स की को फाउंडर हैं और इस खबर से एक्ट्रेस के फैंस को झटका लगा है। हालांकि इसकी अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ना ही एक्ट्रेस की तरफ से कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि कई सालों तक डेटिंग करने के बाद नयनतारा ने पिछले साल जून में फिल्म निर्माता शिवन से महाबलीपुरम में शादी कर ली थी और उसी साल अक्टूबर में दोनों ने सरोगेसी के जरिए जुड़वा बेटों उयर और उलागम के पेरेंट्स बने थे और शायद इसीलिए नयनतारा अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखने के लिए अपने करियर को छोड़ने का सोच रही है। एटली के डायरेक्शन में बन रही पैन इंडिया फिल्म जवान में शाहरुख खान के साथ साथ एक्ट्रेस नयनतारा लीड रोल में नजर आने वाली है। वहीं लीड एंटागोनिस्ट के रोल में विजय सेतुपति दिखाई देंगे। ये फिल्म जून 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी और फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप नयनतारा के फैन हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।